हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है लव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, अनगिनत फिल्में ऐसी होंगी जो लव स्टोरीज पे बेस्ड होंगी, और आपने भी कई सारी लव स्टोरीज देखी होंगी। फिल्मों में तरह तरह से लव स्टोरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, लेकिन वो आपको नई परिभाषा जरूर बताएगी लव की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक तेलुगु फिल्म जिसका नाम है ओपेन। तो देख लेते हैं क्या कुछ खास है इस फिल्म में। मैं अनुभव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना प्यार मैं ऐसे ही देते रहे। फिल्म की कहानी है फिशरमैन आशी की, जो अपने ही गाँव के एक बहुत ही रिच और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति रैनम की बेटी से बहुत प्यार करता है। प्यार एक तरफा होता है जो बेगम्मा यानी कि संगीता की तरफ उसे खींचे जा रहा है। जल्दी ही ये एक तरफा प्यार दो तरफा हो जाता है, यानी बेगम्मा संगीता भी उसे बहुत प्यार करने लगती। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है जात पात अमीरी गरीबी की दीवार। रैनम जो गांव का बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी उससे कमतर लोगों में हो, क्योंकि उसके दिमाग में अपनी बेटी से ज्यादा परिवार की शान, इज्जत और इन सब चीजों की परवाह बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, टक्कर बराबर की है। जो लड़का है वो लड़की से बेहद प्यार करता है और इन सब चीजों को नहीं मानता। क्या वो संगीता के पिता से टकरा पाएगा, या संगीता का पिता रैनम उसे पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देगा, ये जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म जिसका नाम है ओपेना। फिल्म की जब शुरुआत होती है तो आपको ऐसा लगता है कि एक रूटीन लव स्टोरी देख रहे हैं, इसमें नयापन नहीं। फर्स्ट हाफ में जो प्यार मोहब्बत है वो पूरी तरह से परवान चढ़ता हुआ दिखता है आशी और बेगम्मा का, और सेकंड हाफ की बात करें तो वो बहुत ही बेहतरीन है। कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपको पूरी तरह से हिला कर रख दी। साथ ही साथ लास्ट के 15 मिनट्स ऐसे हैं दोस्तों जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो वैसा कुछ आपके सामने आता है। फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देकर जरूर जाएगा। ये 2.5 घंटे की फिल्म कुछ करे ना करे आपको दो परिभाषाएं सिखाकर जरूर जाती है। पहली है मर्दानगी क्या होती है, और दूसरा सच्चा प्यार किसे कहते हैं। इस फिल्म को बेहतरीन बनाती है इसकी स्टार कास्ट। जी हाँ, इसमें हमें नजर आते हैं विजय सेतुपति, वैष्णव तेज और कृति शेट्टी। बात करें विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस की तो क्या ही कहना है दोस्त। वैसे तो 100% अगर आप साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं तो उनके फैन जरूर होंगे, लेकिन अगर अभी तक आप उनकी फैन फॉलोइंग में शामिल नहीं है तो एक बार ये फिल्म देखिए दोस्तों, आप जबरदस्त वाले फैन बन जाएंगे। जो विलेनियस कैरेक्टर उन्होंने निभाया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदायगी कर जाता है। उनके डायलॉग्स हो, उनके एक्सप्रेशन हो, उनका पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस हो, सब कुछ बहुत ही बेमिसाल है इस फिल्म में। बस एक ही चीज है जो हमें अखरती है कि उनकी रियल वॉइस हमें सुनने नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उन्हें जो वॉइस दी गई है वो काफी हद तक उनसे मैच करती है। वैसे किसी फिल्म को देखने के लिए विजय सेतुपति का नाम ही काफी है। फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले कैसा भी हो, आप उनकी एक्टिंग से निराश नहीं हो सकते। इस फिल्म में वैष्णव तेज और कृति शेट्टी पहली बार साथ काम कर रहे हैं, और दोनों ने ही तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म से डेब्यू भी किया है। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन है, आपके दिल तक दस्तक देती है, और एक लव स्टोरी मूवी के लिए जो चाहिए होता है वो सारा कमाल और सब कुछ करके इन्होंने फिल्म में दिया है। आसी और बेगम्मा का कैरेक्टर को इन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है, बिल्कुल संजीदगी से अपने आप को प्रेजेंट किया है स्क्रीन। इन दोनों के इमोशनल या सिंपल कोई भी सीन हो, दोनों की केमिस्ट्री एडोरेबल और बहुत ही मैजिकल लगती है। लेकिन फिर भी इन दोनों के अलावा फिल्म की जान है विजय सेतुपति। जी हाँ, उनका कैरेक्टर जिस बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, उन्होंने उसी डेप्थनेस के साथ इसको प्रेजेंट भी किया है। तो एक्टिंग के मामले में ये फिल्म पूरे पूरे नंबर लेकर जाती है। बहुत ही कमाल की एक्टिंग दी है सारे एक्टर्स ने। बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो म्यूजिक बहुत ही जोरदार है। बस एक बात जरूर कहनी होगी कि फिल्म में गाने बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप इसलिए निराश नहीं होंगे क्योंकि उन गानों के साथ जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती चली जाती है, और सारे ही गाने बहुत ही मेलोडियस है। आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात से दोस्तों कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, लेकिन मुझे ये साउथ इंडियन फिल्म के गाने इतने बेहतरीन लगे, मुझे उसके वर्ड्स उतने ज्यादा समझ नहीं आए, लेकिन गाने ऐसे हैं जिसे मैं बार बार सुनना चाहूंगी। फिल्म की कहानी ऑनर किलिंग पे बेस्ड है, लेकिन जो रियल और रियलिटी से इसको प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही लाजवाब। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत लाजवाब है। जी हाँ, जो समुन्दर के सीन है आप देखकर चौंक जाएंगे, उस खूबसूरती को आप महसूस कर रहे होंगे, आपको लगेगा नहीं कि आप उन्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं, इतने ब्यूटीफुली शूट किए गए। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग है जो आपको निराश नहीं करता। दोस्तों मुझे फिल्म देखने के बाद पता चला कि इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सीलेंट मूवी बनाने वाला अभी न्यू कमर है। ये एक ऐसी फिल्म है जो हर मामले में बहुत ही एक्सीलेंट है, चाहे इसका स्क्रीन
स्क्रीन प्ले हो, चाहे इसकी राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, सिनेमेटोग्राफी हो, सब कुछ बहुत ही लाजवाब है। और इस फिल्म में जो क्लाइमेक्स है दोस्तों, वो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगा। स्पॉइलर ना देते हुए बस इतना जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान शिव की खंडित मूर्ति से जो मैसेज दिया गया है दोस्तों, वो आप कभी नहीं भुला पाएंगे। एट लास्ट बस इतना ही कहूंगी दोस्तों कि फिल्म नहीं, एक जर्नी है जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल के रख सकती है। इस फिल्म को मेरी तरफ से 4.5 की स्टार रेट। आप इसे अपनी फुल फैमिली के साथ एंजॉय जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो, नए कॉन्टेंट में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।